तो आज है हमारा डे 18 और आज हम सीखेंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, वो भी इंटीरियर में। इंटीरियर को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, लैब हो गया, क्लासरूम हो गया, और इस तरह की जितनी सारी चीजें हैं हम उन सबको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, और इसमें बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट को लेना होता है जो कि होता है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। जैसे कि अभी हम इस स्क्वायर रेक्टेंगल को एक क्रॉस डिवीज़न कर रहे हैं, यहाँ पे फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा पार्ट है वो एक, जैसे बचपन में आपने देखा होगा टीवी को आपने कैसे ड्रॉ करते थे, देन उसी तरह से हम ड्रॉ करते हैं। फ्रंट एंड बैक की जो पोजीशन है उसको हम ड्रॉ करते हैं, और एक जो बीच का हमारा पॉइंट है हम उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है, इसके बाद की चीज़ें आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके उस वैनिशिंग पॉइंट से जितने भी लाइनिंग्स जाएंगे वो सब वैनिशिंग पॉइंट से, जैसे अभी आप देख रहे हो हम डोर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो डोर की जो लाइनिंग है वो सारे के सारे वैनिशिंग पॉइंट से होके ही गुजरते हैं। अगर आप उसे कहीं और से अगर मूव कराते हो देन वहाँ पे वो गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रहे कि जितने भी लाइनिंग्स होंगे, जो भी लाइनिंग्स जाएंगे, वो सब के सब उस वैनिशिंग पॉइंट, जैसे नंबर 16 के पास देख रहे हो स्केल के पास एक पॉइंट है, वो वैनिशिंग पॉइंट है। और उस तरह से करके हम इस पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, और धीरे धीरे देखें वीडियो कंप्लीट अंत तक। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अपने रूम्स को, अपने लाइब्रेरी को, लैब को किन किन तरीकों से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और वो तरीका बहुत ही इजी होता है। हमारा मेथड जो है वो है हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, सिंगल वैनिशिंग पॉइंट। एक वैनिशिंग पॉइंट से आप इस पूरे पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम आगे आपको बताएंगे कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बाद टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से करके हम पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करेंगे, पर्सपेक्टिव को समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने देखा कि एक्सटीरियर को हमने टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया, लेकिन हम अगली वीडियो जो होगा हमारा वो एक रूम ही होगा और उसका टू पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू होगा। जैसे ये रूम है, इस रूम को हमने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया, और अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा हमारा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, और वो इंटीरियर ही होगा। तो इस तरह से करके हम, जैसे ये जो सीन है हमारा, ये जो हम बना रहे हैं ये हॉस्पिटल का सीन है। हॉस्पिटल में आपने देखे होंगे कि कैसे सामने ऑपरेशन थिएटर एंड देन बाकी रूम्स वगैरह जो भी दिखाई देते हैं वो सब, जब हम इसकी शेडिंग को, हल्की सी शेडिंग को जब इसमें ऐड करेंगे तब जाके ये थोड़ा अच्छा लुक आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और कैसे देखें कि वीडियो में हमने दिखाया कि किस तरह से हम इम्प्रूव करते हैं धीरे धीरे। अगर आप चीज़ों को बनाते हो तो स्टार्टिंग में हो सके वो अच्छा ना दिखे, तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस बनाते जाना है, बेसिक जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स को यूज़ करना है। यहाँ पे वीडियो में हमने जो कुछ पार्ट्स हैं उसको काट दिया है, तो ये नहीं कि आप 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो है तो आप भी 6 मिनट में ही इसे कंप्लीट करो। आप 20 से 25 मिनट लगा के इसे कंप्लीट कर सकते हो, और ज़्यादा टाइम भी इसमें दे सकते हो, जितना टाइम आप चाहो दे सकते हो। अनयूजुअल जो पार्ट था, जो लगा हमें कि ये इसमें यूज़ नहीं है, तो हमने उसे कट कर लिया है एडिटिंग की मदद से। तो यहाँ पे जो हम फिर से बना रहे हैं वो रूफ बना रहे हैं। देखो इसमें 5 साइड को हम देखते हैं, एक जो फ्रंट में जिसको कि मैंने बोला होम ये ऑपरेशन थिएटर, एंड दूसरा जो है राइट और लेफ्ट, दूसरा और तीसरा, फिर चौथा हो गया अप पार्ट, जो अप ऊपर का पार्ट है जिसमें लाइट लगी हुई है, जैसे स्क्वायर शेप में लाइट लगी होती है इन सब जगहों पे, या फिर वेंटिलेशन के लिए जो लगा होता है, हम उसको उसी को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये चौथा पार्ट हो गया, एंड ग्राउंड जिस पे हम लोग चलते हैं वो हमारा 5वां पार्ट हो गया। तो अगर आप रूम के अंदर हो तो आपको भी ऐसे 5 अलग अलग पोर्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि एक स्क्वायर से जो बनता है क्यूब और क्यूबॉइड,
रेक्टेंगल से क्यूबॉइड, तो उसके अगर एक पार्ट को हटा दें, अगर हम रूम में खड़े हैं तो हम रूम के पीछे के दीवार को नहीं देख सकते हैं, तो रूम के पीछे के दीवार नहीं दिखेंगे तो बाकी के पांच वॉल हमें दिखाई देंगे, जिसमें एक हमारा होगा ग्राउंड भी होगा और बाकी लेफ्ट राइट फ्रंट एंड अपवर्ड। तो ये सारी चीज़ों को हम ड्रॉ करते हैं, हल्की हल्की शेडिंग इसमें ऐड करेंगे। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है ब्लेंडर, पेपर स्टम्प बोलते हैं इसको। इसकी जगह आप चाहे तो जैसा मैंने बताया शेडिंग के टेक्निक्स को, जिसमें अलग अलग शेडिंग टेक्निक को यूज़ करके हम अपने शेडिंग को इम्प्रूव करते हैं, तो जैसे टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो आप, जनरली पेंसिल का भी यूज़ करके आप बना सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़े से डेप्थनेस को दिखाने हैं, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्लेंडर को हल्का सा यूज़ किया और अब हमारा पेंटिंग कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इस तरह से करके हम एक एक पार्ट पे हल्की हल्की शेडिंग देंगे। जितनी शेडिंग आप देते हैं उतने अच्छे आपको पिक्चर में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आप जितना भी काम करें मेहनत से काम करें और दिल से आप अगर काम को करते हो तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये जो जैसे कि आप देखते हो कि आपके स्कूल्स में भी होते हैं ऐसे नीचे अलग कलर होते हैं या फिर बीटिंग किया होता है, तो उसको हम दिखा रहे हैं। फिर ये ग्राउंड जो है हमारा, इस ग्राउंड को हम हल्की सी शेडिंग के माध्यम से, जैसे कि टाइल्स वगैरह लगा है तो कलर चेंज हो जाते हैं, टाइल्स के चेंज कलर करके लगाए जाते हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगे। तो इन सबको हल्की हल्की शेडिंग जब आप देते हैं तब ये खूबसूरत लगता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर।